नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर कांदे पोहे खाते हैं, वो तीखे रहते हैं, मगर हमारे कारवार में स्वीट पोहा बनता है, वो भी ब्रेकफास्ट के लिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्वीट कांदा पोहा। ये पोहा बनाने के लिए ना लगता है गैस, ना लगता है तड़का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आधा कटोरी गुड़, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि गुड़ पिघल जाए, और इसे हाथ से मिक्स करना है। पूरा गुड़ पिघलने देना है। गुड़ पिघल चुका है, हम इसमें डालते हैं एक बारीक कटा हुआ प्याज, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, नमक स्वादानुसार, और बारीक कसा हुआ आधा कटोरी नारियल, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये ताज़ा बारीक कसा हुआ नारियल है। अब हम इसमें डालेंगे पोहा। 150 ग्राम पोहा लिया है, जो हम कांदे पोहे के लिए यूज़ करते हैं वही जाड़ा पोहा है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, हाथ से ही मिक्स करना है। पोहे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसमें डालते हैं धनिया पत्ता। इसे मिक्स कर लेते हैं, हल्के हाथ से मिक्स करना है। हमारे पोहे तैयार है, अब हम इन्हें एक बॉल में निकाल लेते हैं। देखा ना आपने कितने आसान तरीके से ये पोहे बनते हैं। तो आप जरूर बनाइए और कारवार का ये टेस्टी सफर देखते रहिए। ऐसे ही ढेर सारी रेसिपीज के लिए टेस्टी सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में सभी के यहाँ थालीपीठ बनते हैं, मगर हमारे कारवार में भी थालीपीठ बनते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ केले के स्वीट थालीपीठ। अब हम यहाँ पे 3 केले लेते हैं। मैंने यहाँ पे इलायची केले लिए हैं, आप नॉर्मल केला भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम आधा कटोरी गुड़ लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। गुड़ को थोड़ा सा पिघलने देना है। गुड़ पिघल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी ताज़ा कसा हुआ नारियल। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। इसके बाद अब हम लेते हैं 3 टेबलस्पून चने का आटा। चार टेबलस्पून सूजी, जो हलवा के लिए सूजी यूज करते वही सूजी ली है मैंने। 1/4 टीस्पून नमक। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छे से डो बनाना है, मगर इसका डो सॉफ्ट बनता है। हमारा डो बन चुका है, ये लूज डो है। अब हम इसे ऐसा ही 10 मिनट तक छोड़ देते हैं और उसके बाद हम थालीपीठ बना लेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम थालीपीठ कर लेते हैं। एक केले का पत्ता लिया है, उसके ऊपर हम थालीपीठ बना लेंगे। पहले तेल लगाना है और छोटे छोटे थालीपीठ बनाने हैं। अब हम फ्राई पैन में तेल लेते हैं।
तेल गर्म हो चुका है, थाली पिट को इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से दोनों साइड से होने देना है। तब तक दूसरा बना लेते हैं। देखते हैं ताली पीट हुआ है कि नहीं। एक तरफ से हो चुका है, अब हम इसे पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से होने देते हैं। दोनों तरफ से हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी की सारी थाली पीट कर लेते हैं। हमारे केले की थाली पे तैयार है। मेरी ऐसी ही आसान रेसिपीज आपको देखनी है तो टेस्टी सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। कारवार की दो स्पेशलिटीज है, एक समुंदर और दूसरी उसमें मिलने वाली मछलियाँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कारवार की सबसे फेमस मछली की रेसिपी, बांगड़ा फ्राई। यहाँ एक पैन में मैं तेल गरम कर लूंगी, हमें शैलो फ्राई करना है। देखिए यहाँ पर मैंने 3 पीसेस लिए हैं और वो भी एकदम फ्रेश है। हम स्वादानुसार नमक लेते हैं। अब हम लेते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1/2 टेबलस्पून लगा लेना है दोनों तरफ से। लगा लेना है इसे। आप देख सकते हैं कि इसे हमने कट करके लिया है ताकि मछली को अच्छी तरह से मसाला लगना चाहिए। आपको एक बात ध्यान में आई, यहाँ पे हमने लहसुन नहीं लिया है, अदरक नहीं लिया है, धनिया पत्ता नहीं लिया है, क्योंकि कारवार का जो फिश है ना, जो मछली है यहाँ की, वो एकदम फ्रेश रहती है। मसाला हमने अच्छी तरह से सब जगह लगा लिया है। यहाँ चावल का आटा और रवा लिया है, दोनों मिक्स करके लिया है। अब हम इसे कोट कर लेते हैं ऐसा। अच्छी तरह से शैलो फ्राई करना है। इसे पलट लेते हैं। अच्छी तरह से होने देना है। अब इसे निकाल लेते हैं। और तीसरा भी कर लेते हैं। तीसरा भी हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। इसे किसी के साथ खाने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी कारवा रहती हूँ, मैं सिर्फ फिश फ्राई करके ही एंजॉय करती हूँ। आप भी जरूर आइए और आप यहाँ आके बनाइए और हमारा कारवार का टेस्टी सफर देखते रहिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेस्टी सफर को। नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। कारवार में फिश के साथ और एक इंग्रेडिएंट फेमस है, वो काजू। यहाँ फ्रेश काजू बहुत सारा मिलता है, मगर वो सीजन में मिलता है। तो आज मैं आपको रेगुलर काजू यूज करके एक सब्जी बताने वाली हूँ, वो है काजू की उपकरी। एक बर्तन में हम 2 टेबलस्पून तेल लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम उसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून राई, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ हमने 150 ग्राम तुंदली ली है,
इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आधी कटोरी कसा हुआ ताजा नारियल, स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा पानी और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। यहाँ जो काजू लिए हैं वो मैंने 2 मिनट तक पानी में पका के लिए हैं, मिला लेना है। ढक्कन लेते हैं, इसे ढक देते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे स्टीम पे होने देना है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं उपकरी हुई है कि नहीं। उपकरी हो चुकी है, काजू पक चुका है और तुंदली भी पक चुकी है। यस, इस पे ज्यादा मसाले नहीं जाते हैं, ये सब्जी माइल्ड होती है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। काजू की उपकरी तैयार है। ये काजू की उपकरी शुभ अवसर पर बनाई जाती है, आप बनाइए और कारवार का ये टेस्टी सफर देखते रहिए। नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। आपको तो पता है मैं कारवार में हूँ, पीछे मेरा घर है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी और मेरी मम्मी की फेवरेट रेसिपी सुंगटाल आंबट, मतलब प्रॉन्स करी। इसके लिए हम बना लेंगे एक पेस्ट। इसके लिए हम लेते हैं 7 से 8 लाल सूखी मिर्च, कसा हुआ ताज़ा आधा नारियल, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स, 1/2 टीस्पून राई, 7 से 8 मेथी के दाने, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, सूखे हुए आम के टुकड़े यानी ड्राइड मैंगो, ये 3 से 4 लिए मैंने। थोड़ा सा पानी लेते हैं और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करते हैं। देखते हैं मसाला हुआ कि नहीं। मसाला हो चुका है। एक बर्तन में तेल गरम कर लेते हैं, 1 टेबलस्पून तेल है, 1 बारीक कटा हुआ प्याज। तेल गरम हो चुका है, इसे अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे। थोड़ा सा प्याज को होने देना है। प्रॉन्स लेते हैं, 1 कटोरी साफ किया हुआ प्रॉन्स, 1/2 कटोरी ग्राइंड किया हुआ मसाला, स्वादानुसार नमक, 10 मिनट तक राह देखनी है। 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं प्रॉन्स मसाला रेडी है कि नहीं। प्रॉन्स मसाला रेडी है, गैस बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। मुझे ये सुंगटाल आंबट राइस के साथ पसंद है और मम्मी को भाकरी के साथ, लेकिन आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए टेस्टी सफर, और ये हमारा कारवार का टेस्टी सफर देखते रहिए। नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। भारत में कोई भी प्रदेश हो, हर एक की अपनी एक दाल बनती है। क्योंकि मैं कारवार में हूँ तो आपको मैं सिखाने वाली हूँ कारवार की स्पेशल दाल। सबसे पहले हम मसाला पीस लेते हैं जो दाल के लिए लगने वाला है। 3 टेबलस्पून ताज़ा बारीक कसा हुआ नारियल, 6 से 7 लाल सूखी मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स और थोड़ा सा पानी। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं।
इसकी फाइन पेस्ट नहीं बनानी है, इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक बर्तन में तेल लेते हैं, इसे गरम होने देना है। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालते हैं 1 पिंच हींग, 1 टीस्पून राई, 10 से 12 कड़ी पत्ते, 1 मोटा कटा हुआ टमाटर। इसे मिक्स करना है। यहाँ मैंने 100 ग्राम तुवर की दाल ली है, यानी कि अरहर की दाल। दाल पकी हुई है, इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया और पिसा हुआ मसाला। इसमें पानी डालेंगे और ये पूरा मसाला निकाल लेते हैं। हम ये दाल में डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। दाल थोड़ी मोटी ही रखनी है। अब इसे डाल देते हैं, अच्छे से मिला लेना है। अब डालेंगे स्वादानुसार नमक। उबालने तक हमें राह देखनी है। दाल उबल चुकी है, गैस बंद कर देते हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। कारवार स्पेशल दाल तैयार है। अब मैं डालूंगी मेरा फेवरेट धनिया। आप आपकी दाल तो बनाते ही होंगे, मगर ये दाल भी ट्राई करके देख लीजिए और कारवार का टेस्टी सफर देखते रहिए। ऐसी ही आसान रेसिपीज के लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है टेस्टी सफर को। नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। कारवार में ज्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं, लेकिन उतना ही वेज अच्छा बनता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सूखे मटर की सब्जी। यहाँ मैंने एक पिसा हुआ मसाला रखा है, इसमें क्या क्या जाता है मैं आपको बताती हूँ। 7 से 8 सूखी लाल मिर्च, कसा हुआ आधा ताज़ा नारियल, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, कोरिएंडर सीड्स, 1 टीस्पून खसखस पॉपी सीड्स, 2 से 3 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 1/2 इंच दालचीनी, 2 से 3 सूखे हुए आम के टुकड़े यानी के ड्राइड मैंगो और थोड़ा सा पानी। अब हम एक बर्तन में तेल लेंगे। 2 टेबलस्पून तेल लेना है, 1 कटा हुआ प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर, इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ आलू, बड़े बड़े टुकड़े करने हैं। इसे मैंने पानी में रखा था ताकि ये काला ना हो जाए। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। हमने जो पिसा हुआ मसाला रखा है वो डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेना है। यहाँ मैंने सूखे हरे मटर लिए हैं, ये मैंने रात भर भिगो के रखे थे और सुबह में कुकर में इसे 3 से 4 सीटी लगा के पका के लिए। अब हम इन्हें इसमें डाल देते हैं। अब मिक्स कर लेते हैं। इसके पकने तक हम राह देखते हैं। अच्छा उबाल आया है, देखते हैं आलू पकाए कि नहीं। आलू पक चुका है, गैस बंद कर देते हैं। बर्तन में हम निकाल लेते हैं।
हमारी कारवार स्टाइल मटर की सब्जी तैयार है। चपाती पूरी और राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी। सिंपल एंड डिलीशियस, आप बनाइए और कारवार का टेस्टी सफ़र देखते रहिए। ऐसे ही आसान रेसिपीज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए टेस्टी सफ़र को। नमस्ते, टेस्टी सफ़र में आप सभी का स्वागत है। कारवार में बांगड़े की बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है, क्योंकि बांगड़ा इज़ रियली टेस्टी, माय फेवरेट। इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ बांगड़ा किटकिटे, जिसे कुछ लोग बांगड़े का किटकैट भी कहते हैं। इसके लिए हम एक मसाला बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे सूखी लाल मिर्च 7 से 8, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स, सूखे हुए आम के 3 से 4 टुकड़े यानी ड्राइड मैंगो, 1/2 इंच अदरक और 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1/2 ताज़ा नारियल बारीक कसा हुआ, थोड़ा सा पानी और इसे हम अभी अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसमें जाएगा अब यहाँ का इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो है त्रिफला, और सिर्फ एक ही बार ग्राइंड करना है। अब हम निकाल लेते हैं, इससे स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल लेते हैं, मसाला में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ये मसाला अब ये पैन में डाल देते हैं। स्वादानुसार नमक, यहाँ पे बांगड़ा लिया है मैंने, 2 बांगड़े हैं जिसके मैंने साफ करके टुकड़े किए हैं, इसमें डाल देते हैं। ग्रेवी उस पे डाल देनी है। ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती है तो इसे थोड़ा टाइम हम पकने देते हैं। दस मिनट हो चुके हैं, देखते हैं हुआ है कि नहीं। हो गया है, गैस बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। बांगड़ा किटकैट तैयार है। ये डिश भाकरी के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो आप बनाइए और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए टेस्टी सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आई हूँ मैं कारवार, ये मेरे दादी का घर है। दादी के घर आई हूँ तो थोड़ा सा तो लाड़ प्यार होना ही चाहिए। तो आज मेरे साथ मेरी चाची है। कारवार में हमारा एक छोटा सा होटल है जो मेरे चाचा का है, और चाची वहाँ पे हेल्प करती है चाचा को हमेशा, और वहाँ की फेमस रेसिपी है जाम यानी कि स्वीट बोंडा। तो चलो चाची के साथ शुरू करते हैं स्वीट बोंडा। चाची मेरी कोंकणी में बात करती है मगर मैं आपको हिंदी में बताने वाली हूँ। तो चाची सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितकर जैसा 100 ग्राम गुड़ ऐसा 100 ग्राम गुड़ है इस बर्तन में डाल देते हैं। आता हिंदू उधा गलता है, इसमें थोड़ा पानी डालना है और अच्छी तरह से गुड़ को पिघलने देना है। आता मिक्स करता है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है यानी कि गुड़ को पिघलने देना है। हाँ। बरोबर ना? बरोबर। हम जब भी कारवार आते हैं तभी हमारी चाची हमारे लिए अलग अलग डिशेज बनाती है, और वो हमेशा हंसती रहती है। उसमें उसकी ऑर्डर्स भी रहती है, कैटरिंग का उसका बिजनेस है तो वो भी करती रहती है, तो भी वो हंसती रहती है और हमारे लिए अच्छे अच्छे डिशेज बनाती है। लवली प्यारी प्यारी चाची। चाची गुड़ पिघल चुका है, अब इसमें क्या जाएगा? जीरे घलचूस। हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। आता है भीतर मीठ गल, इसमें अभी जाएगा नमक। स्वादानुसार नमक लिया है। आता कितना अच्छा सा, अभी ये बेकिंग सोडा डालना है 1/4 टीस्पून। इससे बोंडा फूलने में मदद हो जाती है। आता है गावा पीठ हेजर गलते। तो चाची कह रही है कि गेहूं का आटा इसमें जाएगा, ये 1/2 किलो है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा चाहिए चम्मच? अच्छी तरह से आटा गूंद लेना है, और सॉफ्ट आटा गूंदना है हमें।
मिक्स झाले नी आता? हाँ आता मिक्स झाले. अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अभी हम इसे फ्राई कर लेंगे. हमने इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है और तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है. चाची लगता है तेल गरम हो गया है. इस तरह से उसको गोल करके गरम तेल में डाल देना है. इसीलिए हमने बड़ा बर्तन लिया है. चाची अब मैं करती हूँ. हाँ करता तू फ्राई कर. हमारी होटल की ये फेमस डिश है और जो भी आता है पहले जाम ऑर्डर करता है. अरे वाह मस्त कलर आया है. अभी हम निकाल लेते हैं. आता हाँ घालता. अभी हम करते हैं. इसी तरह से हम बाकी के जाम भी बना लेते हैं. चाची इन्हें थोड़ा सा डार्क करना होता है और स्लो फ्लेम पे हमें करना है. मुझे मेरी बचपन की याद आ रही है. ये भी निकाल लेते हैं. मेरे चाची के हाथ के जाम तैयार है. हमें टेस्ट करना है लेकिन ये खाने के लिए स्पेशल एक पर्सन आने वाली है. उसे मैं बुलाती हूँ. मेरी बहन दिशा. हेलो. कैसे सा तू? कैसी है तू? अच्छा आज मुझे बताना है कि मम्मी ने जो बनाया है वो परफेक्ट है कि नहीं. मम्मी के एग्जाम. ओके तो टेस्ट करेगी? ओके थोड़ा मैं खा लेती हूँ. सेम टू सेम होटल. थैंक यू वेरी मच. ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए देखते रहिए कारवार का टेस्टी सफर. नमस्ते. टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है. आप जब भी कारवार के समुन्द्र पर घूमने जाओगे तभी आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्रैब दिखाई देते. बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर क्रैब मिलते. तो मैं आज आपको बताऊंगी क्रैब मसाला. सबसे पहले हम एक मसाला बना लेते हैं. इसके लिए हम लेंगे लाल सूखी मिर्च 7 से 8, आधा ताज़ा कसा हुआ नारियल, 1 टेबलस्पून खसखस यानी पॉपी सीड्स, अखा गरम मसाला है, 1/2 इंच दालचीनी, 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स, 7 से 8 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा पानी. इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे. मसाला हो चुका है. एक बर्तन में लेते हैं 1 टेबलस्पून तेल. तेल गरम हो चुका है. अब हम इसमें डालते हैं पीसा हुआ मसाला, थोड़ा पानी डालेंगे. अच्छी तरह से मिला लेते हैं. इसे स्वादानुसार नमक लेते हैं. यहाँ मैंने 8 से 10 क्रैब लिए हैं और उसको अच्छी तरह से साफ करके लिया है. ये छोटे क्रैब है. इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं. इसे अच्छी तरह से होने देना है. 10 मिनट तक राह देखनी है. 10 से 15 मिनट हो चुके हैं. देखते हैं क्रैब पक गए कि नहीं. इसका कलर चेंज हो चुका है. ऑरेंज कलर आ चुका है मतलब ये पक चुके हैं. अब हम इसे निकाल लेते हैं. गैस बंद कर देते हैं. मैंने ये छोटे छोटे क्रैब लिए थे. क्रैब करी तैयार है. मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ कि आप ये बनाइए, क्योंकि आपको क्रैब पसंद है तो आप ये ज़रूर बनाएंगे. और हाँ आप टेस्टी सफ़र को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे. नमस्ते. टेस्टी सफ़र में आप सभी का स्वागत है. कारवार में अक्सर शादियों में एक खीर बनती है, उसका नाम है मुख पैसम. आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ. इसके लिए मैंने क्या किया है,
एक कटोरी मूंग लिए है और इन्हें रोस्ट करके मिक्सर में से हाफ क्रश करके लिया है। अक्सर पायसम मूंग दाल का होता है मगर हमारे यहाँ अक्खे मूंग का होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ मैंने बर्तन में 2 कप पानी लिया है और इसमें ये जो क्रश किया हुआ मूंग है वो डाल देंगे। और अब इसे अच्छी तरह से पकने देना है। देखते हैं मूंग पक चुके हैं कि नहीं। मूंग पक चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे किशमिश 1 टेबलस्पून, 25 ग्राम काजू है, 1 टीस्पून इलायची के दाने और इलायची पाउडर। अब इसमें जाएगा 100 ग्राम गुड़। इसे मिक्स करना है। गुड़ पिघल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ ताजा नारियल। आधा नारियल लिया है, अब इसे अच्छी तरह से होने देना है। इसे 5 से 10 मिनट तक हिलाते रहना है वरना ही फट जाएगा। दस मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देते हैं। देखिए कैसी मस्त कंसिस्टेंसी हो गई पायसम की। अब हम इसे निकाल लेते हैं। पायसम जितना अच्छा लगता है उतना ही वो हेल्दी है। और बाय द वे गोकुल अष्टमी के अवसर पर ये तो बनाया ही जाता है, तो आप बनाइए और कारवार का टेस्टी सफर देखते रहिए। ऐसे ही अलग अलग और टेस्टी रेसिपीज के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए टेस्टी सफर को। नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। कारवार में हम फिश को पसंद करते हैं। जितनी फ्रेश मछली पसंद करते हैं उतनी ही सूखी भी मछली पसंद करते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ड्राई फिश चटनी। शुरुआत करते हैं हम नारियल से। कसा हुआ आधा ताज़ा नारियल, 7 से 8 लाल सूखी मिर्चें, 1 कटा हुआ प्याज, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 3 से 4 सूखे हुए आम के टुकड़े यानी के ड्राई मैंगो। नमक यहाँ पर थोड़ा कम डालना है क्योंकि सूखी मछली में ऑलरेडी नमक होता है। थोड़ा सा पानी और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ड्राई प्रॉन्स लिए हैं। इन्हें यूज करने से पहले थोड़ा ड्राई रोस्ट करना है। हम इसे अभी इसमें मिक्स कर लेते हैं चटनी में और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमारी चटनी तैयार है। हमारे यहाँ जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है उसमें बॉयल चावल की पेस्ट और ये चटनी खाई जाती है। ऐसी ही आसान रेसिपीज के लिए आपको क्या करना है, टेस्टी सफर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कढ़ी बताने वाली हूँ जो खास करके नॉनवेज के साथ बहुत अच्छी लगती है। उसका नाम है सोल कढ़ी यानी कोकम की कढ़ी। एक मिक्सर के जार में हम लेंगे आधा बारीक कसा हुआ ताज़ा नारियल, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं।
अब हम इसे निकाल लेते हैं और छान लेते हैं। पिसे हुए नारियल को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। पूरी तरह से नारियल निचोड़ के हो गए हैं। अब मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा कोकम। 4 से 5 कोकम लिए हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं और नमक स्वाद अनुसार। और इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया पत्ता। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि कोकम का रंग है जो उसमें उतर जाएगा। देख रहे हैं ना आप कैसा कलर आया है इसको। अगर ये रंग नहीं आता है तो अच्छी तरह से आप कोकम को हाथ से निचोड़ लेना। अभी हम एक ग्लास में ले लेते हैं, अच्छी तरह से ग्लास में पोर कर लेते हैं। सोल कढ़ी तैयार है। मेरा आज का मेनू रेडी है, सोल कढ़ी, गर्मा गर्म राइस और बांगड़ा फ्राई। क्या बात है, आप भी ये घर पे बनाइए और हमारा ये कारोबार का टेस्टी सफर देखते रहिए। ऐसे ही आसान रेसिपीज के लिए टेस्टी सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।